स्वागत है कोस्टरिका में। और कोस्टरिका फेमस है इसके हरे भरे खूबसूरत ग्रीन टूरिस्टिक स्पॉट्स के लिए। उनमें से सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक है ये वाला शहर ला फॉर्तुना। एक्चुअली शहर नहीं है, छोटा टाउन है। टाउन के बगल में एक बड़ा वॉल्केनो है और बहुत सारे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है। जहाँ पे पहले दिन मैंने किया था ये फ्री हॉट स्प्रिंग और अगले दिन का वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। भैया पैंडेमिक में इधर फंस गए और इधर फंस गए भैया ने भाभी ढूंढ ली और भाभी नहीं ढूंढी। अच्छा चलो, बियर ट्राई किया है यहाँ का, पिल्सनर है यहाँ का, एंड क्योंकि बिकॉज यू लॉस्ट। लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। इस सीरीज़ में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1,00,000 से भी कम और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सारे बाय क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉय एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। तो आज है 10 फरवरी और फिर से शुरू कर दिया दिन ला फॉर्तुना में। आज हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे स्विंग पे। वैसे ला फॉर्तुना पे आप उस वॉल्केनो के पास एक पार्क है, उस पार्क पे जा सकते हो, उधर वाटरफॉल है और फिर क्या एक और रियो है, रियो गया, रियो कुछ है नाम, रियो का मतलब नदी होता है स्पेनिश में, उस नदी में आप एक्टिविटी करने जा सकते हो। फुल डे टूर होता है $75, कुछ भी टूर पकड़ लो, ये $50-75 के नीचे कुछ नहीं है। वो पार्क भी है, उसका एंट्रेंस $20 है, तो हर कुछ महंगा है बट आपका एक्सप्लोर सस्ता है। तो सस्ता चीज़ें ढूंढ के निकालूंगा, एक और सस्ता चीज़ ढूंढ के निकाला है कल, जैसे फाउंटेन जैसा, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। बर्फ़ का गोला ₹150 बेच रहे हैं। तो ये ब्रिज और ब्रिज के साइड से हम लोग को जाना पड़ेगा इधर, और ब्रिज लगता है वन वे टाइप का ब्रिज है, तो ये गाड़ी पीछे जा रहा है और ये गाड़ी वापस आ रहा है। और ढूंढ ले हम लोगों ने एक और मुफ्त का स्पॉट। तो इधर जाएं कैसे, इधर से या उधर से? तो भाई वैसे तो कुछ खास है नहीं, हम लोग कहीं भी गाड़ी वाड़ी में जाते हैं ना तो ऐसे ब्रिज दिख जाता है और ब्रिज के नीचे पानी जाता है और कुछ भी स्पॉट बन जाता है, बट यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा है तो लोगों ने इसी को ढूंढ के एक फ्री एक्टिविटी स्पॉट बना दिया है। अच्छी बात है बट खास कुछ नहीं है, खास करने के लिए पैसे चाहिए कोस्टारिका में। और यहाँ पर इन लोगों ने एक स्विंग लगाया है, व्यू पॉइंट का नाम है दिस स्विंग पॉइंट, लोग यहाँ से स्विंग करते हैं। मेरे होस्ट ने बताया कि स्विंग मत करो क्योंकि थोड़ा खतरा है, तो मैं नहीं करने वाला। पानी उतना ठंडा तो है नहीं बट पहली बार ऐसा हुआ कि मैं टावल लाया हूँ बट अपना स्विमिंग पैंट लाना भूल गया, और चाहूँ तो अंडरवेयर में जा सकता हूँ बट कल भी पानी का मजा लिया तो आई थिंक आज स्किप कर दूंगा। मन तो कर रहा है जाके नहाऊँ बट सिर्फ अपने अंडरवेयर में इतने लोग हैं यहाँ पे, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। गलती हो गया, कोई बात नहीं, आज नहीं नहाते यहाँ पे, गलती हो गया। Yeah.
और फिर आखिरकार मैं चला गया अपने अंडरवेयर में ही, क्योंकि पानी का बुलावा आया था, जाना तो बनता है। आप लोग जो लोग मेरे फॉलोअर्स को बताया, पानी जब भी दिखता हूँ और लोग नहाते हैं मैं तो जाता हूँ शॉर्ट रखा। आज भी चला गया पानी में, पानी ठंडा है बट फिर भी मज़ा आ गया। और काँप रहा हूँ बट मज़े ले लिए मैंने पूरे पूरी जगह के पूरे एकदम थम थम। लोग स्विंग कर रहे हैं, अगर पैंट होता तो मैं स्विंग कर लेता हूँ, इस पर कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले ही बहुत से स्विंग्स किए, इससे भी खतरनाक स्विंग मैंने किया था ग्वाटेमाला में। तो उधर था वाटरफॉल, उधर जंगल से मैं पत्थर हॉप करते 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 इधर पहुंच गया, और पता नहीं कितना दूर पहुंचूंगा। गोल है, पैंट नहीं भिगाना, जूता नहीं भिगाना है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये करते हुए, यहाँ से आऊँगा। यहाँ से ये वाला टफ लग रहा है बट हो जाएगा, चलो करते हैं। ये सब जो मैं करता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बचपन से बहुत खेलकूद में माहिर था, पैर वेर चढ़ता था, तो बता दूँ मैं बचपन में एकदम ज़ीरो था। पैर तो क्या, पत्थर भी नहीं चढ़ पाता था, बट अभी कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। बस निकलो, जोश निकालो और अच्छे हाइकिंग बूट्स खरीदो। कोई ब्रांड होता तो मैं स्पॉन्सर कर देता, बट अभी कोई ब्रांड नहीं तो बता दो, मैं डिकैथलॉन का लेता हूँ, डिकैथलॉन यूज़ करो और बस एक्सप्लोर करते रहो। ये जो जानवर आप देख रहे हो, ये पैर को पकड़ा हुआ, इसे कहते हैं दी स्काउट, और स्काउट ही है यहाँ का स्पेशल और ख़ास और नेशनल एनिमल कह सकते हो। स्काउट देखने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग टूर लेते हैं, टूर में स्काउट दिख जाते हैं किसी को, और किसी को टूर में भी स्काउट नहीं दिखता, और कुछ लोगों को ऐसे चलते चलते जैसे हम लोगों को घोड़ा दिख रहा है, कुछ लोगों को चलते चलते स्काउट दिख जाता है। इसलिए मैंने टूर नहीं लिया, क्योंकि बहुत जनों से सुना हूँ कि ऐसे स्काउट दिख जाता है, तो मैंने टूर नहीं लिया स्काउट का अलग से। और चलते हैं उधर वोल्केनो अर्नल के पीछे, सनसेट हो रहा है और हम वापस सिटी में आ गए। और सिटी में आने के बाद, वैसे तो सिटी नहीं कहूँगा, टाउन छोटा ही है, और सेंट्रल अमेरिका में पहली बार मुझे दिखा इतने महीनों बाद इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि कोस्टारिका में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यूएस से। कोस्टारिका बहुत ही टूरिस्टिक है कम्पेयर टू अदर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, जैसे कि निकारागुआ हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरस हो गया, एल्सल्वाडोर हो गया, इधर जाते ही नहीं इंडियन बहुत डरपोक है, हम लोग बहुत ही डरपोक है, सच बता रहा हूँ। डरपोक है कि आते नहीं, बट कोस्टारिका आते क्योंकि ये ज़्यादा टूरिस्टिक है, उसकी वजह से यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी खुला है ला फोर्टुना में। चलो रेस्टोरेंट को थोड़ा एक बार घूम के झाँक के आते। तो ये देख गया अपना इंडियन करी हाउस नाम दिया है, इंडियन रेस्टोरेंट पहली बार दिखा सेंट्रल अमेरिका में। तो भाई जिनका रेस्टोरेंट है अपने नागपुर से, भैया नागपुर में है, और ये भी वर्ल्ड ट्रैवलर ऐसे वैसे वर्ल्ड ट्रैवल नहीं, साइकिल लेके ट्रैवल करते थे दुनिया। और फिर पैंडेमिक में मैं जैसे ब्राज़ील में फंस गया था, भैया पैंडेमिक में इधर फंस गए, और इधर फंस के भैया ने भाभी ढूंढ ली, और भाभी नहीं ढूंढी, अच्छा चलो आधी भाभी ढूंढ ली, आधी भाभी ढूंढने के बाद इधर अपना धंधा खोल दिया। सही है, और अभी साइकिल में चल रहा है क्या? हाँ अभी भी साइकिल में चल रहा है। अच्छा अभी कुछ टारगेट है या फिर ऐसे ही बस चिल करो घूमते रहो? नहीं मैं लेक्चर्स देता हूँ कॉलेजों में। क्या चीज़? नॉन वायलेंस के ऊपर। अच्छा, तो गांधी को 200 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे हो गए, उसी के उपलक्ष्य में पूरे दुनिया की यात्रा कर। अच्छा। Google also featured me, Google also made the movie on me called Paddling for Peace. Yes. You can search on the YouTube. Spelling कर दो, हम लोग अपने सारे सबको इंग्लिश उतनी नहीं आती। Spelling आपको दिखाता हूँ। अच्छा। आप ऐसे YouTube पे जाएंगे तो न्यान DN न्यान यवतकर डालेंगे तो ये आ गई मेरी गूगल वाली पैडलिंग फॉर पीस, ये ट्रेलर है। अच्छा। और ये जो है
अच्छा मूवी है। आप तो सेलिब्रिटी निकले। ये तकरीबन 1.3 लाख व्यू, मतलब अच्छा 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 रिस्पॉन्स है। हाँ दो साल पुराना ये तो अभी ये सर्च ऑन करके है और ये है ट्रेलर 95 लाख व्यू है इसके। वाओ ऑलमोस्ट 1 मिलियन। हाँ टेन मिलियन। वाओ ये तो देखना पड़ेगा, 2 मिनट का वीडियो है, मैं अभी देखूंगा थोड़ी देर बाद। बहुत सारे वीडियोस है साइकिलिंग। और ट्रैवलिंग करने से पहले कैसे फंडिंग जमा किया? फंडिंग मेरे खुद की थी। जॉब? हाँ मैं जॉब करता था। फिर कुछ मेरे दोस्त थे, मेरा दोस्त है एक पीटर, वो जर्मनी से, उसने मुझे साइकिल हेल्प किया। बाकी और स्पॉन्सर वॉन्सर थोड़ा हेल्प मिला। ठीक है तो स्पॉन्सरशिप नहीं है। अच्छा मतलब स्पॉन्सर नहीं, मतलब फ्रेंडली स्पॉन्सर। हाँ हाँ कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं, फ्रेंडली स्पॉन्सर। I decided मैंने सोचा कि यार लोगों के आधार पर कैसे हो सकती है, जहाँ लोगों के साथ रहा जा सकता है, कुछ नया अनुभव। वार्म शावर हो गया, बहुत सारी काउच सर्फिंग हो गई। काउच सर्फिंग इसके वार्म शावर है, काउच सर्फिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मदद होती है। बहुत सारे जैसे गाँव में, बस छोटे छोटे गाँव में तो वार्म शावर तो पचा नहीं है। हाँ डायरेक्टली आप चले जाओ भाई, यहाँ साइकिल चला के घूम रहा हो इंडिया। इधर लैटिन अमेरिका में इंडिया से बोलते हो लोग सर पे चढ़ा लेते हैं, और थोड़ा स्पेनिश आ गया तो बढ़िया है। स्पेनिश तो नहीं आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। एक साल इधर रुक गया फिर भी नहीं आया। थोड़ी अभी ऐसे हो जाता है आदमी, तकरीबन 12 भाषा में सीख गया हूँ, बहुत सारी भाषाएं। अच्छा ब्रेन लोड नहीं ले पाता है इतना सारा। मैंने कहा आप रिलैक्स कर ले। अच्छा अभी कितने कंट्री हो गए आपके? मेरे तकरीबन ये मेरा पुराना पासपोर्ट है। मैंने म्यांमार से शुरुआत किया था, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूरे। फिर जापान से क्या US गए थे बाई शिप या फिर फ्लाइट? फ्लाइट से मैं US गया था। ये है चाइना का वीज़ा, ये है ताइवान का वीज़ा। अच्छा ताइवान का वीज़ा चाहिए होता है क्या? आप US वीज़ा के साथ तो वीज़ा अवेलेबल है। मैंने ले लिया था। अच्छा ये है मैक्सिको का 10 साल का वीज़ा। अच्छा ये है बहुत सारे, ये है जापान का वीज़ा, और फिर अभी ये पासपोर्ट भर गया, ये नया पासपोर्ट। यहाँ से बनवा लेना एम्बेसी से? नहीं ये इंडिया गए थे वापस। हाँ इंडिया का पासपोर्ट है। नहीं बन जाता है बाहर से भी, इधर से भी अप्लाई करो तो मिल जाएगा। तो ये जो है ये पासपोर्ट है, ये भी बहुत सारे वीज़ाज हैं। भरने को आया, ये भी भरने को आया है, ये भी भरने को आया है, ये भी बहुत सारे, ये US का वीज़ा है, ये कैनेडा का है। कनाडा गए साइकिल लेके? हाँ। अच्छा तो कितनी कंट्री होगी, कोई गिनती है? मेरे ख्याल से 25 हो जाएंगे, 25-30। नहीं 35 हो सकता है। यूरोप टच करोगे तो बहुत सारे एक साल में हो जाएगा। यूरोप क्या, मैं तो यूरोप पहले से बैकपैकिंग, लेकिन मैं अभी साउथ अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा हाँ उसके बाद यूरोप के पूरा, यूरोप पूरा, अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट होके हुए इंडिया वापस। अफ्रीका 3 साल लगेंगे वापस, ज़्यादा लगेंगे, अफ्रीका बड़ा है। देखे अभी क्या होता है, क्योंकि यात्री का तो कोई लिमिट नहीं होती है ना। नहीं लिमिट नहीं, बस करते रहो। आपका उम्र क्या है? अभी तो 31 हो गए। चलो भाई यंग ही हो आप। यंग तो सब है। नहीं बाल कैसे? बाल तो पक गए होते हैं यात्रा में, आपके बाल पक जाते हैं। मेरे भी इधर उधर एक दो पके हैं, बट आप कितने साल? 24। तो आप 30 तक पूरे बाल पक जाएंगे? हाँ पक जाएंगे, 30 तक मेरे सारे कंट्रीज शायद हो जाएंगे और बाल भी पक जाएंगे। चलो बातें चलती रहेंगी, हम लोग बातें करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पता चला तो आप लोग को बताऊंगा। बट इंडियन पासपोर्ट वाला मिला है, ये बहुत रेयर मिलता है मेरे को लैटिन अमेरिका का। आप लोगों को पता है बस पहले एक दो बंदे मिले थे कि इंडियन पासपोर्ट में घूम रहा है लैटिन अमेरिका, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। बाकी तो बहुत सारे US वाले और कनाडा वाले और यूरोप वाले मिलते रहते हैं थोड़े बहुत। तो अपने ट्रैवल भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बातें बहुत चली, बातें चलते चलते डीप डिस्कशन में चला गया इमिग्रेंट्स को लेके। बट भाई अच्छे घूम रहे हैं और यूट्यूब पे गूगल का उनका 10 मिलियन का व्यू वाला वीडियो भी है, अच्छा लगा देख के। तो पहली बार
हम लोगों ने बियर ट्राई किया है यहाँ का, पिल्सनर है यहाँ का, एंड क्योंकि बिकॉज यू लॉस्ट. आप लोगों ने पूरा पुराना वीडियो देखा है कि नहीं, एक बेट था और बेट में वो हार गई. नहीं, इस वीडियो में नहीं है. जो भी एक बेट था, बेट में वो हार गई और अभी मेरे को बियर पिला रही है. सो दंकश. तो यहाँ पे हम लोग सनसेट का मज़ा ले रहे हैं और ये अपने होस्ट के घर, मैं अपने होस्ट के घर, और ये यहीं पे रहेगी कुछ दिन, पर मैं निकल जाऊँगा. और अपने होस्ट के घर में वापस आ गया अभी. और ये ला फॉर्चुना वाला इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल जाएंगे कहीं और. कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा. हाँ जी, बाय बाय.